गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 12 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, स्टेट द कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये हुआ कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये आपस में इसके इक्वल है या नहीं है। तो एक ट्राइंगल के जो पार्ट हैं वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अभी देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे जो है कॉन्ग्रेंट है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसमें। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पर देखें ये सॉल्यूशन किस तरह से है। ये देखो, यहां पर ये देखो एबी किसके इक्वल है, एबी किसके इक्वल हो जाएगा, एबी 4 है तो यहां पर इसको हम पी क्यू के बराबर लिख सकते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है इक्वल। इसी तरह से बीसी, बीसी इज इक्वल टू दे रखा 3 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और सिमिलरली जो है एसी, एसी जो है किसके इक्वल हो गया है, ये हो गया पी आर के, पी आर के और 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस ट्राइंगल की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का ये सिंबल है, मैंने बताया था आपको ये सिंबल है इसका। और किस ट्राइंगल के जो है कॉन्ग्रेंट हो गया, ये ए बी सी और पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। और कंडीशन क्या हो गई, बाई किससे, बाई तीनों साइड इक्वल हैं, बाई एस 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 मतलब साइड 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 कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रुएंस। तो ये देखो इस बाय एस एस मतलब साइड साइड इन तीनों की इक्वल है, जिसके कारण ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। मींस इनके सारे पार्ट्स चाहे एंगल है चाहे साइड है, इस ट्राइंगल के सारे एंगल और सारे साइड्स के इक्वल हो जाएंगे, लेकिन वो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। तो उसका मतलब होता है कॉन्ग्रेंट। तो एबीसी कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर, और वो कंडीशन कौन सी है, एस 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 मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रेंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। इफ दे आर कॉन्ग्रेंट, स्टेट द कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। ये बोल रहे कि इसमें चेक करना है हमने, जैसे पहले क्वेश्चन में भी था, चेक करना है कि ये आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो इसमें ये जो है एनपी, एनपी इसके इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल, इसे ई एफ के इक्वल दे रखा है, ये दोनों इक्वल है इसके। और ये वाली साइड जो है, ठीक है, एम एन साइड किसके इक्वल है, डीई के इसके इक्वल है। अब इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये एन, ये देखो ये वाली एनपी और ये ई एफ, ये दोनों इक्वल तो हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, लेकिन ये एन एंगल ई के बराबर होना चाहता है 70, जबकि 70 यहां नहीं है, यहां है, क्योंकि जो ये एंगल आ रहा है बीच में 70, ये दो साइड जो गिवन है उनके बीच में, ये इंक्लूडेड एंगल है, और यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, ये एंगल बाहर है। तो इस तरह से ये दोनों जो है क्या नहीं हो सकते, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। तो मतलब क्या हो गया इसमें कि ट्राइंगल देखो, इसमें एम एम एन, एम एन किसके इक्वल है, दिस ईडी के, एम एन इज इक्वल टू ईडी, और ये गिवन है हमें, ये हमें गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन में अभी जब सबसे पहले ऊपर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं, तो इस तरह से ये देखो ये गिवन है, और दूसरी चीज गिवन क्या है, हमें एनपी है, एनपी, एनपी इज इक्वल टू ई एफ, एनपी इज इक्वल टू ई एफ है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है, ये भी गिवन है। और एंगल एन, एंगल एन को मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल एन इज, एंगल एन मस्ट बी इक्वल टू किसके, एंगल ई के, लेकिन ये इक्वल नहीं है,
एंगल एन और ई इक्वल नहीं, इंक्लूडेड एंगल, इसलिए जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देयरफोर कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एम एन पी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के, दिस डीईएफ, डीईएफ इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट, यहां पर नॉट है, इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ये 70 एंगल है यहां पर आना चाहिए था दो साइड के बीच में, इंक्लूडेड एंगल, जबकि ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल दे रखे, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो इसमें एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, तो वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें देखो ये दे रखा है इसमें, ठीक है। और एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू, सी किसके इक्वल है, आर के, एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है, देखो इसमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, और क्या चीज है इसमें, देखो ये बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीसी साइड बीसी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, ये क्यू आर और है कितने साइड, ये 6 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इट इज ऑल्सो गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें देखो इसमें दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल है ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल बताया मैंने आपको, और ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी बाई किसके थ्रू, ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, चाहे तो इसके साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड, चाहे इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, और दैट इज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं एम एन पी, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, ये हमें दे रखा है एनपी, और ये भी हमें दे रखा है इक्वल है, और ये हाइपोटेनस भी आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर एंगल एन देखो, एंगल एन इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में एंगल डी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखो ये गिवन है इसमें, ठीक। दूसरा जो है साइड एनपी, ये साइड जो है एनपी किसके इक्वल दे रखा है, डीएल के, डीएल ये भी गिवन है, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दे रखी है हमें, हाइपोटेन्यूज एनपी एमपी इज इक्वल टू क्या है, केएल, ठीक, ये सब गिवन है, गिवन ये फिगर में दे ही रखे हैं, आप देख रहे हैं इसको फिगर में दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको हम गिवन में ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कि दो साइड और एक एंगल, लेकिन एंगल 90 डिग्री का है, एंगल दो, देखो ये साइड ये हाइपोटेन्यूज एन पी इज इक्वल टू के एल, ये सब गिवन है, तो अब इसमें हम कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाएंगे, देखो तो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एम एन पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ट्राइंगल के, ठीक है, देखो के डी एल, और ये हो जाएगा बाई आर एच एस
कॉन्ग्रुएंस। ये देखो आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। एच मींस हाइपोटेन्यूज और एस मींस साइड। तो इस तरह से ये एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने की, आरएचएस, जब एक एंगल 90 डिग्री का हो और हाइपोटेन्यूज दे रखा हो और कोई भी एक साइड दे रखी हो ट्राइंगल की, तब जो है हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे बाय किस रूल से, बाय आरएचएस रूल से।